आज हम 11th क्लास के इंग्लिश की फर्स्ट पोइम हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू रीड सेकंड पोइम. सेकंड पोइम द लेबानम टॉप. दिस पोइम इज़ रिटन बाय टेड ह्यूजेस. टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ब्रिटिश पोइट हैं. ब्रिटिश और भी ट्रांसलेटर भी हैं, ट्रांसलेटर करते थे. इनका जो लाइफ स्पैन है, 1930 में इनका बर्थ हुआ था. मॉडर्न इंग्लिश राइटर हैं और 1998 में इनकी डेथ हो गई थी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोएम. द लेबानम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, all its seeds fallen. In the first stanza, इसमें only three lines are given, सिर्फ तीन ही line दी गई है. तो थोड़ा सा लेबानम टॉप एक क्या होता है, ट्री, जिसको अल्तमस का ट्री हम बोलते हैं. और टॉप मीन्स हाइएस्ट पार्ट, इसके ऊपरी सिरे का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पोइट ने अच्छी तरह से वर्णन किया है इसका. और कहते हैं कि द लेबानम टॉप, जो लेबानम का पेड़ है, वो एक बड़ा शांत सा है. क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. आप देखिए कि सेप्टेम्बर में लगभग येलो क्यों कहा गया है, क्योंकि ऑटमन सीजन है, पतझड़ की ऋतु है. सितंबर जो है, सेप्टेम्बर का महीना है, मंथ है, और उसकी सनलाइट में एक प्रकार से सब कुछ येलो दिखाई देता है, पीला सा दिखाई देता है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग मीन्स अ फ्यू लीव्स आर बीइंग येलोड, यानी कि कुछ येलोइंग येलोड, यानी कि कुछ पत्ते तो पहले क्या हो उसके पीले हो गए हैं. ऑल इट्स सीड्स पोलन, जो इसके बीज वगैरह होते हैं ना, वो सारे गिर गए हैं. ऐसा होता है पतझड़ ऋतु में, जो भी सीड्स वगैरह आए होते हैं वो गिर गए हैं, और उसके जो लीव्स थे उस ट्री के, लेबानम टॉप के, वो भी क्या गिर गए हैं, पूरी तरह से गिर गए हैं और पीले से पड़ गए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में ये है. और नेक्स्ट स्टैंजा में हम बात करते हैं अब. टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक ऐसी ही सिचुएशन है जब तक कि गोल्ड फिंच क्या है. गोल्ड फिंच हम एक बर्ड को भी बोलते हैं, जैसे दीमक वगैरह होते हैं ना, जो उसको भी बोल देते हैं. तो तब तक कि गोल्ड फिंच आती है विद अ ट्विचिंग चार्प, अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रीमोर ऑफ विंग्स and trailings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her buried face identity mask. देखिए, second stanza बड़ा lengthy है. हम इसको अच्छी तरह से line by line study करते हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम्स. गोल्ड फिंच यानी कि एक बर्ड है, ये एनिमल है, हम कह सकते हैं कि जब तक ये आती है, गोल्ड फिंच जो है, और आते ही इसका काम स्टार्ट क्या होता है, ट्विचिंग. ट्विचिंग क्या होता है, मेकिंग सडन क्विक मोमेंट्स. ट्विचिंग का मतलब होता है अचानक तेज से गतिविधि करना स्टार्ट कर देना. चैप होता है चहचहाना, मतलब आवाज़ सी, मीन्स वेन इट कम्स ना, जब ये गोल्ड फिंच आ जाती है, इट स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज, मेकिंग मोमेंट्स, यह है हलचलें करना शुरू कर देती है. अ सडननेस, बिल्कुल अचानक होता है सब कुछ. अ स्टार्टमेंट, स्टार्टमेंट क्या होता है, स्ट्रेंज सडननेस, बहुत ही अजीब सापन हमारे उसमें दिखाई देता है. एट एक सरप्राइज, स्टार्टमेंट होता है एक सडन सरप्राइज को ही बोलते हैं, अचानक हैरानी हो जाना. एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच एंड यानी कि जो भी पेड़ है ना, ट्री, उसकी जो भी ब्रांच है, शाखाएं हैं, उसके बिल्कुल किनारे पर क्या एक हलचल सी स्टार्ट हो गई है, हमें दिखाई देता है. देन स्लीक एज अ लिजार्ड. स्लीक का मीनिंग होता है बिल्कुल स्मूथ, ग्लोसी यानी कि चिकनी सी. फिर वो चिकनी सी होती है, जैसे कि
ऐसे लिजार्ड, जैसे एक लिजार्ड होते हैं ना, छिपकली को बोलते हैं लिजार्ड हम, उसकी तरह ये उसका एक्टिवनेस, उसको कंपेयर किया गया है उसके साथ, लिजार्ड के साथ कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच को, तो उसकी तरह क्या होता है स्लीक, स्लीक का मीन्स बहुत चिकनी सी होती है, ग्लोसी, स्मूथ भी कह सकते हैं इंग्लिश में अदर मीनिंग, एंड अलर्ट, और पूरी अटेंटिव होती है अपने आप में, एक्टिव होती है, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट क्या होता है सडन, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसका अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है, जिसकी कोई हमें उम्मीद नहीं होती कि ये होने वाला है। और अब क्या है, सी एंटर्स द थिकनेस, द थिकनेस वैसे तो मोटाई होती है थिकनेस का मतलब, लेकिन यहाँ इन द मिडल पार्ट, मिडल पार्ट के लिए यूज हुआ बीच के हिस्से के लिए। अब जो गोल्ड फिंच के लिए सी का यूज़ किया गया है, गोल्ड फिंच को यहाँ पर सोनिफिकेशन किया गया है, वैसे स्मॉल बर्ड्स या एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पोइट ने सी का यूज़ किया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी, मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं, वो हम कह सकते हैं सी एंटर्स द थिकनेस। और ये जो गोल्ड फिंच है अब क्या है, बिल्कुल उस पेड़ के बीच के हिस्से में जाकर वहाँ से वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ एंटर कर जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वहाँ पहुँचते ही ये मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है, एक मशीन जैसे चलती है ना उसकी तरह अपना काम स्टार्ट कर देती है। और ये जब मशीन किस तरह काम स्टार्ट करती है तो क्या क्या आवाज़ें निकालती हैं, और चिटरिंग, चिटरिंग भी चिटरिंग बोलेंगे हम जिसे चहचहाने को, ठीक है, चिटरिंग करती है, और चिरपिंग भी कह सकते हैं इसको, अ ट्रीमोर ऑफ विंग्स, ट्रीमोर, ट्रीमोर का जो मीनिंग होता है, ट्रीमोर का मीनिंग है अपने आप में एक प्रकार से स्लाइट मेकिंग शेकिंग मोमेंट, यानी कि हिलना, ट्रीमोर का मतलब क्या होता है, कंपन, कंपन होता है ट्रीमोर का, अ ट्रीमोर ऑफ विंग्स, यानी कि जो उसके पंख है ना उनका बिल्कुल उनमें कंपन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ट्रेम्बलिंग होना शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स भी क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट साउंड्स होते हैं, कांपता हुआ सर, ट्रेम्बलिंग साउंड्स भी हम इनको बोलते हैं, तो ये भी कांपता हुआ, मतलब इस प्रकार की ये मशीन में जो भी स्टार्ट्स होता ना वो एक्टिविटी करती है, कभी चिटरिंग्स करती हैं ये गोल्ड फिंच, कभी ट्रिमोर ऑफ विंग्स करती हैं, एंड कभी ट्रिलिंग्स, कभी और मतलब कंपन करती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये प्रोसेस सारी स्टार्ट होती है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा जो पेड़ है ना, पूरा का पूरा पेड़, कंप्लीट जो ट्री है लेबनम टॉप का, वो सारा कांपने लग जाता है, ट्रेम्बल करने लग जाता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाना, बड़ा उत्तेजित हो जाता है अपने आप में। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, और ये जो है ना उसकी फैमिली का, किसकी फैमिली का, गोल्ड फिंच फैमिली का एक इंजन है, जो इस प्रकार से पूरे ट्री को क्या कर देता है, मतलब एक अंज, ये जो ट्री है एक इंजन की तरह काम करता है पूरी फैमिली का। सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मीनिंग यहाँ पर है कि ऐड करना फ्यूल, जैसे ऐड ऐड फ्यूल, यानी कि इसमें वो ईंधन भर देती है पूरे में, पूरे में। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फ्लड्स आउट मीन्स मूव्स आउट, फ्लड्स आउट का मीनिंग क्या होता है, मूव्स आउट क्विकली, और तेज़ी से यहाँ पर कहाँ पर चली जाती है, मूव्स आउट मीन चलना, और ये कहाँ पर मूव कर जाती है बहुत जल्दी, फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और बिल्कुल फिर ब्रांच के जहाँ पेड़ की टहनी है लास्ट, वहाँ पर ये तेज़ी से चली जाती है। सोइंग हर बैरिड मास्क आइडेंटिटी मास्क, सॉरी सोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपना क्या दिखाती है, सी सोज हर बैरिड फेस, बैरिड होता है बिल्कुल कवर हुआ हुआ, कवर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, मास्क लगा होता है एक प्रकार से, जो भी धूल मिट्टी डस्ट लग जाती है ना उसको, एक्टिंग करने से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ड्रिलिंग करने से बहुत ही ज़्यादा, अपने आप में चिटरिंग करने से बहुत ही ज़्यादा, अपने आप में ट्विचिंग करने से, चिरपिंग करने से बहुत ज़्यादा इसके क्या है, धूल सी लग जाती है, और ऐसा लगता है कि इसने अपने ऊपर क्या मैं मास्क, मास्क का सा पहना, अपनी पहचान बना ली हो, एक मास्क, मास्क क्या होता है, कवरिंग, मास्क होता है ढकने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जैसे आजकल चला हुआ है, आजकल मास्क पर कोरोना की वजह से हमें मास्क पहनना बहुत ही कंपलसरी हो गया है, तो इस प्रकार से वो अपना फेस दिखाती है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स सी लॉन्चेज अवे एंड टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड
द लेबनम सबसाइड्स टू एम्पटी, क्या है और उसके बाद क्या होता है ये सारी एक्टिविटी होने के बाद. देन विद एरी डेल, एरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमय जिसको हम कहेंगे, और कहेंगे हम फ्राइटनिंग, बड़ी डरावनी सी, और बड़ी डरावनी सी हो जाती है, रहस्यमय सी हो जाती है. डेलिकेट होता है सॉफ्ट, यानी कि कोमल या स्लाइट भी हम वो कह सकते हैं. विसल, वही विसल होता है साउंड्स, आवाज़. चर्प, चर्प भी वही आवाज़ होता है, शॉर्ट साउंड्स होती हैं चर्पिंग. विस्परिंग भी वही शॉर्ट साउंड्स होती हैं, आवाज़ होती है. और इस तरह से बहुत ही एरी मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही रहस्यमय छोटे छोटे आवाज़ देती हुई, काना कोशिश करती हुई, सी लॉन्चेस अवे. लॉन्चेस का मीनिंग है जंप्स फॉरवर्ड, जंप्स फॉरवर्ड, यह बिल्कुल उछल कूद करती हुई दूर चली जाती है. टू वर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत, एंडलेस, अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वहाँ पर ये फिर चली जाती है, दोबारा से अपने उसमें लौट जाती है. एंड द लेबनम, जो लेबनम टॉप है यानी कि अल्थमस का जो ट्री है, पेड़ है, सबसाइड्स टू एम्पटी. सबसाइड्स होता है बिल्कुल क्या है, सबसाइड्स टू एम्पटी मीन्स खाली हो जाता है, सीम्स टू बी एम्पटी, बिल्कुल खाली हो जाता है, शांत हो जाता है. मीन्स वंस अगेन द लेबनम टॉप इज साइलेंट, और एक बार फिर जो लेबनम टॉप है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है. जो गोल्ड फिंच के बारे में मीनिंग भी दिए हुए हैं, गोल्ड फिंच के बारे में जो बर्ड मैं बता रहा था, तो बड़ा सिंगिंग बर्ड होता है, जिसको हम दिमक भी बोल देते हैं, या और वो कोई भी इसको हम जनरल उसमें नाम दे सकते हैं. लेकिन जो स्मॉल सिंगिंग बर्ड, इस पर ही ज़्यादा है, इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है. देखिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसका. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम. इन द बिगनिंग वी सी, शुरू में भी हम देखते हैं, द लेबनम टॉप इज साइलेंट, एंड इन द एंडिंग ऑल्सो लेबनम टॉप बिकम साइलेंट, वो भी उसमें भी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और शुरू में भी क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, लास्ट में भी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड. कंपेयर्ड की जो मूवमेंट है, गतिविधियाँ हैं, किसके साथ कंपेयर की गई हैं, किसके साथ उनकी तुलना की गई है. द बर्ड्स मूवमेंट इज़ कंपेयर्ड टू अ लिजार्ड, एक लिजार्ड नाम के एनिमल यानी कि जानवर से, चिपकली बोलते हैं जिसको हम, उसके साथ कंपेरिजन किया गया है. वट इज़ द बेसिस फॉर द कंपेरिजन, कंपेरिजन का बेस क्या है. ऐसे ही लिजार्ड है, उसका घर क्या होता है, उसका भी एक घर होता है, जैसे लिजार्ड का भी अपने घर में रहती है. ऐसे ही क्या है, जो एक प्रकार से कहें तो हम इसी तरह से बर्ड्स बेस बनाया है, कि जिस प्रकार से एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है बर्ड, ये जो क्या नाम है अपने, जो ये गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच भी अपनी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करती है, जैसे कि ये भी आवाज़ से करती है और अपने शिकार के लिए ढूंढती है और लास्ट तक घर में घूमती रहती है. इस प्रकार से लिजार्ड की तरह ये दिखती है, जैसे सॉफ्ट है, कोमल सी दिखती है, ऐसी ही होती है, डेलिकेट कहा गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. पोएट के द्वारा कैसे हमारे माइंड में इमेज क्रिएट की गई है, एक पिक्चर सी बनाई गई है. द इमेज ऑफ द इंजन इज इवोक्ड बाय द पोएट बिकॉज यू नो इट हैपन्स, बिल्कुल होता है. व्हेन गोल्डफिंच स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज, देन इट जस्ट यू नो इट मेक्स साउंड्स, ये आवाज़ करती है, और जैसे मतलब ये उसको अंदर जाती है उसकी थिकनेस में, मिडल पार्ट में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बिल्कुल खाली खाली, मतलब एक प्रकार से उसको पूरा खोखला कर देती है, सेलो बना देती है, जिससे वो ट्री है बहुत कमज़ोर होकर क्या हिलने लग जाता है. एंड इट लुक्स जस्ट लाइक एन इंजन, और ये इंजन की तरह दिखता है. व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम. पोएट यहाँ पर कहते हैं कि इस पोएम में आप किसको सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हो. मीन्स आई लाइक, आप कह सकते हो आई लाइक मोर
आई लाइक मोस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ गोल्ड फिंच अबाउट द पोइम, कि जो एक्टिविटीज़ है गोल्ड फिंच की उसको मैं सबसे ज़्यादा इसको लाइक करता हूँ इस पोइम को उसके उससे, और कैसे जो उसका ट्री, व्हेन ट्री ट्रेम्बल्स, जब वो पेड़ कांपने लग जाता है, इट सीम्स टू बी एन इंजन, और ये एक इंजन की तरह लगता है, ये मोमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक हुआ है। व्हाट इज़ द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, कि इसका मीनिंग क्या है, हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट व्हेन द गोल्ड फिंच स्टार्ट्स हर वर्क, जब वो अपना काम स्टार्ट करती है ना, देन इट इज सी इज़ फुल ऑफ डस्ट, वो बिल्कुल डस्ट से भरी हुई है, एंड इट सीम्स दैट देर इज़ अ मास्क और देर इज़ अ कवरिंग कवरिंग ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है, एक कवरिंग से ढका सा हुआ है, इसका ये मीनिंग है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव इन्जॉयड द पोइम, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको घर में